है। हरियाणा के अंदर सुरक्षा का जिम्मा सरकार से ज्यादा हमारे जाट भाइयों ने ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर हमारे धर्मवीर भाई जैसे 1000 जाट वहाँ खड़े हैं। इस देश मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, ये भूखे नंगे लोग ये बताएंगे, ये लेंगे हिंदुओं का ठेका। पक्का नहीं पूरा पुख्ता इलाज होगा और बर्नोल ऐसी लगा के रख ली जिनके में दर्द उठे। तू बता सीधी सी बात बता, जिस तरीके की नफरत मुसलमान के लिए इस देश में पैदा की जा रही है, अगर दुबई, सऊदी, इराक, कुवैत जहाँ पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, अगर वहाँ हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा हो और वहाँ उनके साथ ये हो, फिर क्या करेगा तू बताना? हमारे देश का जो रिवॉल्वर नहीं राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। कम से कम 100 असले होते हैं। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर। तो हरियाणा के नूह में अब जाट समाज ने मुस्लिमों को पूरी तरह से समर्थन कर दिया है। तो दोस्तों फिर से 28 तारीख को नूह में यात्रा निकालने की बात कही गई, जिसको लेकर अब जाट समाज ने कहा कि इस बार किसी को हिम्मत नहीं होगा मुस्लिम के ऊपर हमला करने की। तो इसी मामले पर मोहित शर्मा और जाट समाज की धर्मवीर ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। देश का हिंदू अब हकीकत में जागा है, मंदिर जाता है मस्जिद। अरे मेरी बात को तो सुन लो, क्यों मंदिर मस्जिद से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हम इस देश के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात, हम इस देश के अंदर अदालतों में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बने, ठीक है ना। मंदिर और मस्जिद का ठेका आपने ले लिया इस देश के अंदर, क्यों औरंगजेब क्या करे, औरंगजेब कहां सोए आपको पता है सब कुछ। दूसरी बात, यात्रा हो रही है दोबारा, हिंदू अरे आप यात्रा निकले हरियाणा में तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो लीजिए। हरियाणा के अंदर सुरक्षा का जिम्मा सरकार से ज्यादा हमारे जाट भाइयों ने ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर हमारे धर्मवीर भाई जैसे 1000 जाट वहां खड़े हैं और भाई हैं, हम बड़े भाई हैं और हमने इस देश के अंदर आज देश को बचाने का जिम्मा ले लिया है और इस देश में दंगाइयों को और उपद्रवियों को और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप कह रहे हैं। जाट ब्राह्मण एक साथ आ गया है तो जो हिंसा कर रहा है वो कौन है फिर? जो हिंसा कर रहा है भाजपा का पेटेंट वो है, क्या कहते हो, मुर्गा, वो पेटेंट मुर्गा जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, वो भीख मांगे घर में, मोदी के 5 किलो राशन पे जिंदा है वो, बता दो। सुन लीजिए, हमारे जाट भाई हिंसा ना करें लेकिन हिंसा करने वालों को छोटे भी ना। मैं आपको बता दूं, अरे पक्का नहीं पूरा पुख्ता इलाज होगा और बर्नोल ऐसी लगा के रख ली जिनके में दर्द उठे, सुन ले, जिनके में दर्द उठे और जिनके में जलन उठे उनके लिए जाट भाई ने पूरा बर्नोल का इंतजाम कर दिया है और खासा इंतजाम करा है और इतना सख्त इंतजाम करा है कि इनके लिए जो दर्द उठे ना ये दर्द उठना ही बंद हो जाए। 28 तारीख को फिर यात्रा नहीं, यात्रा पर रोक थोड़ी है, यात्रा खूब करो कहीं भी करो, नहीं समझ रहे, लेकिन उस तरह से मत करो ना, कट्टे लहरा के, राइफल दिखा के, बंदूक दिखा के, देख रहे हो आप कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखा कट्टा लहरा के वहीं चल रहा है ना, वो मेरी बात नहीं, बात जाटों ने की थी ना, वही बात दोबारा कह रहे हैं कि दंगाई अगर घुस गए ना तो अब की बार इनकी बक्कल तार देंगे और जाटों ने बक्कल तारने का काम भी कर दिया बिल्कुल शुरू। ये जितना गए थे वो कह रहे कि ये जो सारे लोग है वो कह रहे कि जो जाट समाज है बाकी लोग है वो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है, हिंदू बन के वो भी तो हिंदू है, आप तो ब्राह्मण है, कौन सा हिंदू, ये बता कि क्या हो गए हिंदू की पहचान, ये हो गए हिंदू की पहचान कि मुसलमान का गला तार दो तब बढ़ेंगे हम हिंदू? अरे इस देश की आजादी में मुसलमान ने भी अपना योगदान दिया, आप तो दोनों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हो। बात यार पूरे देश की, पूरे देश की लुटिया डुबा दी तुमने, पूरे देश लुटिया डुबा दी तुमने और उसके बाद पूछो कि क्या खा क्या गुस्सा कर रहा भाई। एक बात मुझे तू बता, सीधी सी बात बता, जिस तरीके की नफरत मुसलमान के लिए इस देश में पैदा की जा रही है, अगर दुबई, सऊदी, इराक, कुवैत जहां पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, अगर वहां हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा हो और वहां उनके साथ ये हो, फिर क्या करेगा तू बताना? तेरा कुछ पर्सन लेके खा गया मुसलमान, तेरे घर के क्या ले लिया पता, तेरे घर के यात्रा क्यों नहीं, तेरे घर के कौन से बर्तन झेर दे देते हैं हम मुसलमानों को, सबको झेर देते हैं, बात इनको ठीक है मर गए। अब आप मुझे ये बता दो, लिस्ट बना दो चौधरी साहब और वो ठाकुर साहब भी और पंडित जी भी और वो लाला लोग भी, कौन मुर्दा मवेशी कौन उठाएगा, कौन इसका पहिए को चला के, देश का जो पहिया चलाता है ना मोहम्मद नहीं चलाता, 90% कॉन्ट्रैक्ट खींचता है। मुझे पता है हिंदू ऐसे हिंदू हैं, दारू पी के ऊपर से ही गिर जाएगा, पहाड़ पे से ही लेके गिर जाएगा, और वो जितना भी है नहीं समझ रहे, जितना मैकेनिकल का काम है वो तो ले लेंगे 500 रुपए की जगह, 5000 रुपए ले लेंगे, लेकिन करेगा कौन उसको, क्या करेंगे हिंदुओं की रक्षा जो अपनी चप्पल की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी चप्पल छोड़ छोड़ के भागे भाई साहब, इस देश में दंगाइयों का यही होगा। अरे भैया मैंने तेरे से पूछा, तेरा काम इंटरव्यू लेने का है, मेरी इंक्वायरी करने का है, आईबीसी लग रहा है तू, तेरा काम ये है क्या कि मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं? तो पूछ रहे हैं क्योंकि आप ना पत्रकारिता में ये भी सिखाया जाए कि कौन मस्जिद जाए, पहले मस्जिद मंदिर जाओ उससे पूछूं। तेरा जो काम है अपना काम को कर, ये मत पूछ सके कौन को मंदिर जा रहा है कौन इधर मस्जिद को जा रहा है। क्या संदेश है भाईचारे के लिए? संदेश ये है कि मुसलमान के लिए जान दे देंगे अगर कोई हाथ लगाएगा, सिख के लिए जान दे देंगे हाथ कोई लगाएगा, ईसाई के लिए जान दे देंगे कोई हाथ लगाएगा, और हिंदू को इस देश में कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। 80 करोड़ है हमने तो लेना बोला आपने, मैं क्या बोला, सुन तो ले मेरी बात को, मैंने बोला 80 करोड़ है हिंदू, तो हिंदू को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, हिंदुओं ने तो ठेका लिया रक्षा करने का और रक्षा करते रहेंगे, माँ भवानी की भी रक्षा करेंगे, मातृभूमि की भी करेंगे, देश की भी करेंगे, धरती की भी करेंगे और देश में रहने वाले लोगों की भी करेंगे, मंदिर की भी करेंगे, मस्जिद की भी करेंगे, गुरुद्वारे की भी करेंगे, चर्च की भी करेंगे और उसके बाद जो फालतू वर्ष की बक्कल भी तारेंगे। जय हिंद जय भारत। वही आन अकेडमी के टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगली बार जब वोट दें तो किसी पढ़े लिखे इंसान को चुने, किसी ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें सिर्फ नाम बदलना आता हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं,
क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस लोड्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, ठीक है। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। हरियाणा के पलवल में महापंचायत के दौरान एक बार फिर हुई नफरती बयानबाजी। और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हम नकार खड्डू और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही है। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत वर्षों तक हमने यातना सहन की, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है खट्टर साहब को हटा करके हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं आप। ये मेवात है, मामन खान विधानसभा में बोलता है अध्यक्ष जी, गोरक्षकों को गुंडा बताता है, ये राम और कृष्ण का देश है, और ये वही मेवात है। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी, गासेडा के अंदर लेट गए थे, नहीं तो अभी 15 अगस्त आएगी एक दिन बाद, इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, लेकिन गांधी ने गलती की, यहाँ लेट गए और मुसलमानों को रखा रूसी का कान है। आज 2000 गायें रोज कट जाती हैं, इसलिए यात्रा नहीं, हिंदू चाहे अकेला इधर से उधर चले जाए, किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, एक हिंदू की तरफ आप भर के देख दे। उसका इलाज यही है कि जो इनके नेता है आका, उनको पकड़े जाना चाहिए। नंबर एक तो मामन खान गिरफ्तार होना चाहिए, जो इनका सरदार है, बार बार विधानसभा में बोलता है। नंबर दो, जिन मुसलमानों ने हत्या की है या जो गायें काटते हैं उनके घरों पर योगी की तरफ से बुलडोजर चलना चाहिए। नंबर तीन, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीने के अंदर जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की है 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नंबर चार, जो मेवात के हिंदू है या आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी। वही दोस्तों, असम के होजाए में पशु चोरी का आरोप लगाकर एक मुस्लिम व्यक्ति हिफ़ुज़ुर रहमान की हत्या कर दी गई है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम संजय दास, निखिल दास, तुलेंद्र दास, उत्तम चक्रवर्ती, जयंत चक्रवर्ती और संधु मजुमदार हैं। तो दोस्तों, इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।